आई वांट टू गो होम ब्रो, जल्दी बुला उसको। 2 बजे के बाद पता नहीं क्या हुआ यार, सबका जग गया। बिकॉज एक टाइम आया था रात में जब लगा था कि आई विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव, माई बॉडी विल कोलैप्स, इट वॉज वेरी टफ। तो जी फाइनली लकड़ियों का सीढ़ी चल रहा है क्योंकि वी आर एट द होम स्टे और ये नाथांग वैली में है। इट्स अ 4 शेयरिंग रूम जो हमें मिला है। दिस इज द रूम दैट आई एम गोइंग टू स्टे। अभी यहाँ पे हुआ टेम्परेचर -4 चल रहा है और पूरा फील आ रहा है कि हाँ -4 ही चल रहा है। ठंडा, मेरा मैगी। हम कलकत्ता का आदमी है, इतना ठंडा नहीं सह सकते। अच्छा हो रहा है, मले दिन में तब चल रहा है। ये बहुत गर्म है बट ये फील नहीं हो रहा है कि गर्म है। तो एक चीज तो आपको बताना भूल ही गए कि ये जो पूरा ट्रिप है, दिस हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय ट्रिपिंग टूर, एंड ट्रिपिंग टूर का ये फर्स्ट ट्रिप है और वो भी हम पार्ट है उसका। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। सो एनीथिंग दैट यू नीड टू से, एक्चुअली दिस इज माय फर्स्ट टाइम जहां से मैंने स्टार्ट किया गैंगटॉक में जहाँ हमारा स्टेट था। उसके बाद से द एंटायर जर्नी वॉज स्पेक्टेकुलर, मतलब क्या कहता हूँ, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ गैंगटॉक तक पहुँचने तक ना एक्सपेक्टेशन कम हो गया था। हम लोग एक्सपेक्टेशन पहले बहुत ज्यादा था तो गैंगटॉक में पहुँच के कम हो गया, क्या हो रहा है ये पेड़ है घर है। उसके बाद से चालू हुआ छांगू गया, थोड़ा मैं जिद करके नाथुला गया तब जाके हुआ दैट व्यू। सॉरी दैट वो व्यू दिखा नहीं सकता, वहाँ पे चाइना बॉर्डर है। फिर बॉस इधर होम स्टे में आते हुए हमने जो नोटिस किया दैट वाज समथिंग बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, कंचनजंगा का टोटल एंटायर व्यू। आई हैव नेवर सीन एनी वीडियो टू बी ऑनेस्ट, इससे ज्यादा पीक नहीं दिखता, नहीं दिखता कहीं से भी। इट वाज लाइक टोटल रेंज वाज विजिबल। हम मतलब इतना सा पीक होगा, देख रहे हैं। आई वुड लाइक टू टेल यू, एवरीवन नोस अबाउट द पीक, एवरीवन सॉ, दिस इज ऑल हैपनिंग जस्ट बिकॉज़ ऑफ ट्रिपिंग टू, बिकॉज़ दे आल्सो नो कि आपने ब्लॉग्स भी देखे होंगे, लोग आते हैं पर इतना अच्छा एक्सप्लोर, ये वाला लोकेशन पे नहीं जाते होंगे, मैंने देखा नहीं है। सो अगर आपको भी ऐसा मज़ेदार ट्रैवल आपको एक्सपीरियंस करना है ये सारी चीज़ें, तो डू फॉलो ट्रिपिंग टूर, उनको मेल करो, अपना आइटनरी बनाओ, कस्टमाइज करो, आपको बेस्ट एंड चीप रेट्स में मिल जाएगा एकदम। सो लेट मी एक्सप्लेन टू यू वहाँ पे एक्चुअली हुआ क्या। टेम्परेचर हैड ड्रॉप्ड लाइक 0 के आसपास तो उस टाइम चला गया ही था, बट बाय द टाइम वी रीच नाथांग लगभग 0 से नीचे भी जा सकता था, समझ नहीं आ रहा। इट वॉज वेरी चिलिंग, मतलब अंदर से मतलब शरीर कांप रहा था, मतलब हड्डियाँ भी कांप रही थी, ऐसा फील हो रहा था, बहुत ज़्यादा ठंड था। तो जो भी हो, सुकून मिला कि होम स्टे में जाएंगे अब सब कुछ सही होगा, बट अनफॉर्चुनेटली द होम स्टे डिडंट हैव अ हीटर, पहली बात। सेकेंड थिंग, देयर वॉज नो बॉनफायर, मतलब कोई इंतज़ाम नहीं था, इंतज़ाम करते भी नहीं वो लोग। तो इट वॉज लाइक वेरी चिलिंग वेदर, और जितना रात हो रहा है टेम्परेचर उतना नीचे जा रहा है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, वो जो होम स्टे है वो मतलब पतले पतले काट या फिर तुम कह सकते थे प्लाईवुड, यस प्लाईवुड से बने हुए और ऊपर से टीन का कोई चाल था, मतलब इट वॉज नॉट आई इंसुलेटिंग द होल रूम फ्रॉम द कोल्ड। ऐसा लग रहा था कि खुले मैदान में कैंप बिछा के, मतलब टेंट बिछा के हम लोग रह रहे हैं, ऐसा लग रहा था। इट वॉज बिकम वेरी अनबियरेबल, मैं व्लॉग नहीं कर पा रहा था, इट वॉज डिफिकल्ट फॉर मी टू स्पीक। अभी 8:30 बज रहे हैं, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे ये जो कंबल है दिस इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब, बट थोड़ा सा बाहर जा रहा हूँ ना, माय बॉडी इज़ फ्रीजिंग अलॉट एंड कभी कभी सांस लेने में तकलीफ हो रहा है, कभी कभी, हर टाइम नहीं हो रहा है। आई जस्ट नीड टू सर्वाइव टू नाइट एंड टुमारो मॉर्निंग। नाक बंद हो रखा है सर्दी और आई डोंट नो व्हाट, सर्दी नहीं है एक्चुअली, इट्स आई डोंट नो, बट मेरा नाक बंद है, भयंकर ठंड है। आई कैन नॉट फील व्हाट इज बीइंग इन द नेगेटिव टेम्परेचर मींस, एक्चुअली ये हालत है मेरा। फुल ऑन जो पहना था वो तो है ही, उसके ऊपर 2 कंबल, एक ओढ़ के एक पैर पे। अगर इस साइड आ रहे हो तो सोच समझ के आना, बिकॉज दिस इज नॉट एक्सट्रीम बट क्लोज टू एक्सट्रीम। ओह माय गॉड, हाथ निकाल के एडिटिंग भी नहीं कर पा रहे, जम जा रहा है सब कुछ, फ्लास्क में गर्म पानी नहीं रह रहा है। सो एवरी थिंग दैट वी हैव प्लान्ड विद आर फेलिंग, मेरा ये जैकेट इज़ नॉट एबल टू
टेक दिस काइंड ऑफ अ टेम्परेचर, ये -5 तक चल जा रहा था, उससे नीचे अभी शायद -6-7 हो गया बाहर, 8:30 बज रहा है। तो डिनर करना है कुछ देर बाद, आई जस्ट नीड टू स्लीप। But as soon as I'm just going out for even 1 minute for washroom or anything, the chill, मतलब क्या, I cannot explain that, you have to experience। एक बात मुझे समझ नहीं आ रहा है, राजा से भी डिस्कस कर रहा था कि अभी यहाँ पे टेम्परेचर तो -3 से नीचे है ही, विदाउट अ डाउट राइट नाउ। हाँ, तो बचपन से हम लोग पढ़ के आए कि 0 के नीचे जब जाता है तो पानी फ्रीजेस, बट यहाँ पे पानी कैसे पानी है, जिसको पता है ये वीडियो जो देखोगे कमेंट करना। टेम्परेचर शायद माइनस में अभी नहीं गया, बाहर का तो है। ये अगर बाहर रख दे तो बर्फ हो जाएगा, हो सकता है धीरे धीरे, I don't think so. मुझे नहीं मालूम, प्लीज डू लेट मी नो यार, कोई हो। देखो मैं जीन्स पे हूँ, दिस इज अ जैकेट, इसके अंदर, इसके नीचे क्या है, जीन्स के नीचे कुछ नहीं है, नहीं इसके अंदर कुछ नहीं है, मेरे जीन्स के नीचे थर्मोकॉट है, मेरा पैर फिर भी कांप रहा है ठंड से, आई कैन नॉट फील माय नीज एनीमोर, लिटरली आई कैन नॉट फील माय नीज। अभी ये 9:30 ये हालत है, रात के 2 क्या होगा। जुलुक, जुलुक इज 8,000 feet and right now we are in 13,115 feet. Zuluk mein main suna hu raat ke 2 temperatures goes down below to -9. Main yahan pe soch lo kya hoga, to jo hoga bhagwan bharose hoga, abhi kuch der baad 40 minute baad shayad hamara dinner mil jayega, kha ke so jayenge yaar, aur taakat nahi bacha hai hamara sabka, naak bacha hai ki nahi wo bhi nahi pata hai, wo hi nahi pata hai, naak matlab क्या कहते हैं उसको, नोज ब्लॉक इज हैपनिंग हिंदी में, क्या कहते हैं उसको, जम जा रहा है, अटक जा रहा है, जो भी है, बट फिर भी धीरे धीरे मेरा खुल रहा है, मेरा खुल गया डायर वाला, तुम्हारा तो नाक खुला हुआ है, मेरा वो कौन लेक था आफ्टर नथुला, अरे जो भी देख वहां पे बंद था मेरा नाक, ठीक है। अच्छा अभी केक खा रहा हूँ थोड़ा, बहुत ज्यादा भूख लगी है, बट ये है हमारा डिनर, चिकन है, चावल या क्या, आलू की कोई सब्जी, दाल शुरू करो, और उधर अंडा करी, सो खाना बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, दिन भर आज कुछ भी खाया नहीं है, मतलब लंच टाइप का, जल्दी चालू करते हैं, ब्लॉग करने का मन नहीं कर रहा अभी। डिनर करने के बाद सोने का कोशिश किया मैंने, बट ट्रस्ट मी नींद नहीं आ रहा था, फर्स्ट थिंग, सेकेंड थिंग कैसे भी करके नींद आ रहा था, बट मेरा नाक बंद हो गया था, अभी आपको पता चल रहा है कि नहीं आई डोंट नो, बट माई नोज इज स्टिल रेड और ये जगह पूरा स्टिफ है, आई डोंट नो, इट ज़्यादा दबाता हूँ ना, दर्द हो रहा है, आई डोंट नो ये कब तक ठीक होगा, सो दिस इज द कंडीशन अभी भी, कैसे भी करके नाक, एक साइड का नाक, मतलब वन ऑफ द नॉस्ट्रिल्स को, मतलब यहाँ से मैं सांस ले पा रहा हूँ, ऐसा सिचुएशन में आने के बाद आई ट्राई टू स्लीप, क्योंकि मुँह से सांस नहीं लिया जा रहा था, माई माउथ वॉज बिकमिंग ड्राई वेरी ऑफ्टन, 5 मिनट में सूख जा रहा था, इट वॉज बिकमिंग वेरी अनबियरेबल। उसके बाद सोने की कोशिश की, मेरा पेट दर्द चालू हो गया, देन आई वेंट टू द वॉशरूम, पॉटी भी नहीं हुआ, ट्रस्ट मी एवरीथिंग वॉज सो सफ फ्रीज हो गया था शरीर के अंदर, ऐसा लग रहा था, तो नथिंग हैपेंड, फिर मैं आया एंड आफ्टर दैट आई हैड नो स्लीप अप टू प्रोबेबली 3:30 और 4 इन द मॉर्निंग, फिर मैंने एक टैबलेट खाया, गैस एसिडिटी का टैबलेट खाया एंड देन फिर मैं सोने की कोशिश किया, ट्रस्ट मी वो जो 7-8 व्हाटएवर बी द नंबर ऑफ आवर्स जो हमने 12 घंटा, एक्चुअली नॉट 7-8, 12 hours दैट वी स्पेंड देयर वॉज वेरी टफ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस क्या है, 6 तारीख है, 3 2 एक्चुअली 4 है, 4 है, हाँ 4 सिलीगुड़ी वाला पकड़ के, तो आज हम है नथांग वैली में, कल रात को और कुछ शूट करने के हालत में नहीं था, बिल्कुल भी नहीं, लेट मी प्लेस द कैमरा परफेक्टली एंड देन स्पीक, अभी फुल चार्ज था, अभी देखा चार्ज नहीं है, एक स्ट्रेंज फिनोमेनन हो रहा है कि जो हमारा फोन जब खरीदा था बड़ा था, 1 घंटे में फास्ट चार्जिंग 100% नहीं, 1 घंटे में 6% चार्ज हो रहा है, 6% 10% माय बैटरी वाज 100% फुल एंड इट इज टोटली डेड, अभी बंद हो जाएगा कैमरा, बहुत हालत खराब है यहाँ पे, कैसे भी करके मेरे को निकलना है यहाँ से, आई जस्ट कैन नॉट बियर द पेन, पूरा मिला के शायद 2 घंटा सोया हूँ मैं ठीक से, नींद नहीं आ रहा है, 11 के करीब वी स्लेप्ट, फिर अचानक से 2 में आँख खुल गया, पता नहीं क्यों अचानक से सबको लग रहा था ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रहा है, देन फिर उसके बाद से कोई प्रॉपरली सोया ही नहीं, ये तो सोया ही नहीं उसके बाद,
तो देर इज नो स्लीप आई जस्ट वॉन्ट टू गो होम. क्या हो गया भाई व्लॉग बना रहे हो? मेरा हालत हम कभी भी जितना भी विंटर हो जाए ऐसे कैप वैप कभी नहीं लगाते थे. आई वॉन्ट टू गो होम ब्रो, जल्दी बुला उसको. 2 बजे के बाद पता नहीं क्या हुआ यार, सबका जग गया. माई बैटरी वॉज 100% जस्ट नाउ फुल्ली चार्ज यस्टरडे. एक मिनट भी नहीं हुआ. रेड कर रेड बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर. मेरा फोन का टुंग टुंग आ गया था रात को, मैं सुन लिया था. जो भी हो मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, बात करने की हालत में नहीं है. सब पैक पैक करके निकल रहे अभी. बात करने की ताकत नहीं है, चलने का ताकत नहीं है. बट आई एम ग्रेटफुल टू गॉड कि ऐसा एक्सपीरियंस लाइफ में एक बार करने को मिला. रियली ग्रेटफुल टू गॉड. दिस इज़ द व्यू फ्रॉम द होम स्टे. सूरज निकल रहा है वहाँ से, बहुत खूबसूरत है यहाँ पे. बट वेरी पेनफुल स्टे, वेरी पेनफुल. चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आई एम अ पर्सन हु लव्स विंटर मोर देन समर. मतलब गर्मी मेरे को अच्छा नहीं लगता, आई रियली लव विंटर. बट दिस इवेंट या फिर कल जो हुआ एक्चुअली मेड मी फील वेरी स्केयर्ड अबाउट विंटर्स. क्या ठंड अगर ज़्यादा बढ़ जाए तो क्या हालात हो सकता है, मुझे समझ आया. एंड ट्रस्ट मी, आई विल नेवर रिकमेंड एनी ऑफ माई व्यूअर्स, एनी ऑफ माई फ्रेंड्स टू एवर गो टू दैट काइंड ऑफ अ टेम्परेचर विदाउट हैविंग अ गुड इंसुलेशन इन द रूम. अगर हीटर होता तो शायद इतना तकलीफ नहीं होता. बिकॉज एक टाइम आया था रात में जब लगा था कि आई विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव, माई बॉडी विल कोलैप्स. इट वॉज वेरी टफ. बातों में समझ आ रहा होगा नहीं, पता नहीं, बट इट वॉज वेरी टफ. आई डोंट वॉन्ट टू एक्सपीरियंस दैट अगेन. बट दैट वॉज द होल थिंग. फिर सुबह यहाँ पर चले आए एंड आई एम ट्राइंग टू टेक रेस्ट. अभी तक रेस्ट नहीं लिया है, अभी शाम के शायद 4 बज रहे हैं. आई एम गोना टेक रेस्ट टुडे. एंड वन मोर थिंग, मेरा बहुत सारा बॉडी पार्ट्स एक्चुअली पेन कर रहा है, स्पेशली द जॉइंट्स. एंड ये एंकल बहुत ज़्यादा पेन कर रहा है मेरे को, ये वाला एरिया बहुत ज़्यादा. और सर में दर्द है, नाक यहाँ पे लाल होके फुला हुआ है, अभी भी दर्द है. लग रहा है आँख भी फुला हुआ है, लाल हो रखा है. एंड माई फिंगर नेल्स की यहाँ ये वाला एरिया पेन कर रहा है, बहुत दर्द है यहाँ पे. यू नो दिस इज़ द रीज़न आई रियली लव ट्रैवलिंग, क्योंकि यू मीट द एक्सट्रीम्स इन योर लाइफ जो शायद आम जिंदगी में अभी आप कभी आप एक्सपीरियंस कर ही नहीं पाओ. इफ आई डोंट हैव गॉन टू नाथांग एंड बीन You know, exposing myself to that extreme temperature, -7, -8 degrees, without a heater. पता नहीं, कभी पता नहीं चलता. That's all I had to share.